वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 आपके सामने है। इसमें क्या है, 3 कॉइंस वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। 3 सिक्के हैं जिनको डाला गया, ठीक है, उछाला गया 30 बार, बारी बारी से लगातार, ठीक है। हर बार जब हेड आया, क्या होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, चित्त होता है और पुट होता है। तो जो हेड है वो जो है, जब आया पहली बार जब सिक्का उठा तो हेड नहीं आया, ठीक है। दूसरी बार उठा तो एक बार आया, तीसरी बार जो है वो 3 बार में, ठीक है, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स जो है, 3 कॉइंस, 3 कॉइन 30 टाइम उछा गया, 10 बार जो है, 10 बार उछा गया, एक एक, ठीक है, 10 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 3 बार है। तो पहली बार जब उछा तो ये 0 आया, फिर एक बार हेड आया और फिर 3 बार हेड आया। इस तरह से 30 टाइम में जो है, पहली बार में नहीं आया, दूसरे में एक बार आया, तीसरे में 2 बार हेड आया, 3 में से, तीसरे में 3 में से 2 बार हेड आया, चौथे में 3 में से एक बार हेड आया। इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जिसके अंदर ये सब प्रदर्शित करना है। तो इनको आप काउंट कर लेंगे, जैसे हमने ये टेबल बढ़ाई, नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आए, 0, 1, 2, 3, तो 0 के कितने 6 रखे हमने, देखिए उसको काउंट करेंगे, 0 के कितने 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 0 के 6 हो गए, ओके। और 1 के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 1 के हो गए 10। इसी प्रकार से 2 के 9 बार आए और 3 के 5 बार आ गए, कुल आ गए 30। इसको ध्यान से देखने से हमें क्या पता लगता है, तो इस प्रकार हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर दी। यही इसमें पूछा है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा। सिर्फ टेबल तैयार करनी है, ऑब्जर्वेशन करने का कोई प्रश्न नहीं है, ये इसका, यही इसका आंसर हो गया। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।